करी टीम इंडिया ने वापसी दिखाई अपनी क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश विमेन की। आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये टूर 9 जुलाई से स्टार्ट हो चुका था, जहां पर पहले हमारी टीम इंडिया 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे और उसके बाद 3 ODI मैचेस खेलेंगे। मैं आप सभी को अगर 3 T20 इंटरनेशनल की सीरीज का स्कोर लाइन बताऊं तो हमारी टीम इंडिया विमेन जीती थी 2-1 से, जहां पर पहले 2 मैचेस टीम इंडिया जीत चुकी थी और आखिरी मैच जो था वो बांग्लादेश ने जीता। इस T20I सीरीज की प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी थी हरमनप्रीत कौर और 16 जुलाई से ODI सीरीज चालू हुई थी इंडिया और बांग्लादेश विमेन के बीच में। उसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये जो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे इन दोनों ही टीम्स के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि ये काउंट होंगे उनके ICC चैंपियनशिप मैच में। मैं आप सभी को बता दूं कि 2025 में खेला जाएगा विमेन्स का ODI वर्ल्ड कप, जिसके लिए इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाइड है क्योंकि इंडिया है उस वर्ल्ड कप की होस्ट, लेकिन बांग्लादेश के लिए तीनों मैचेस बहुत ज्यादा जरूरी है उनकी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए। बात करें अगर पहले ODI की तो 16 जुलाई को खेला गया था, और उसी के साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जहां पर बांग्लादेश विमेन ने टीम इंडिया विमेन को हराया था एक ODI मैच में। जी हां दोस्तों, पहले बैटिंग करके बांग्लादेश विमेन ऑल आउट हो गई थी 152 रन पे और उसके बदले टीम इंडिया सिर्फ 113 रन पे ऑल आउट हो गई थी। जी हां दोस्तों, बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा था टीम इंडिया का। और उसके बाद 19 जुलाई को खेला गया दूसरा ODI टीम इंडिया और टीम बांग्लादेश विमेन के बीच। आप सभी को बताना चाहूंगा कि टॉस जीत के पहले बांग्लादेश ने बॉलिंग का फैसला करा और एक समय पर हमारी टीम इंडिया हो गई थी 68-3, पर वहां पर हमारी कैप्टन हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिगेज ने हमारी पारी की नाव संभाली और बहुत ही अच्छा स्कोर बनाया। बात करें अगर इस मैच की डिटेल्ड स्कोर कार्ड की, टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करके बनाई 228/8 अपने 50 ओवर्स में, जहां जेमिमा रॉड्रिगेज ने मारे 86 रन 78 बॉल्स पे, वहीं हरमनप्रीत कौर ने मारे 52 रन 88 बॉल्स पे। नाहिदा अख्तर ने लिए 2/37 अपने 10 ओवर में, वहीं सुल्ताना खतून ने लिए 2/41 अपने 10 ओवर में। बांग्लादेश विमेन ऑल आउट हो गई 120 रन पे 35.1 ओवर्स में, जहां फरगाना हुक ने मारे 47 रन 81 बॉल पे, वहीं रितु मोनी ने मारे 27 रन 46 बॉल पे। जेमिमा रॉड्रिगेज के फिगर्स थे 4/3 अपने 3.1 ओवर में, वहीं देविका वैद्या के फिगर्स थे 3/30 अपने 8 ओवर्स में। मैच जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा, हम सिर्फ बल्लेबाजी करना चाहते थे, ये हमारे लिए पहले बल्लेबाजी करना और बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर खड़ा करने का शानदार मौका था। हम अंत तक बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाजों में से एक के बारे में बात की। जब जेमी आई तो हमने गेंद के अनुसार खेला और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान केंद्रित करा। हम सपाट पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लंबे समय के बाद ODI मैच खेल रहे हैं और इसलिए जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाए, लेकिन हमने इस बारे में बात की और इन पिचेस पर कैसे तालमेल बिठाया जाए और बल्लेबाजी की जाए। पहले गेम के बाद 2 दिन में ये एक अच्छा खेल होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस मैच में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही जेमिमा रॉड्रिगेज की और वो बनी प्लेयर ऑफ द मैच। अब सीरीज का जो स्कोर लाइन है वो है 1-1 और आप सभी को बता दूं कि 22 जुलाई को खेला जाएगा इंडिया और बांग्लादेश विमेन के बीच में फाइनल और 3rd ODI ढाका में, और अब देखना होगा कि कौन ले जाता है ये ODI सीरीज। आप सभी को क्या लगता है कि कौन जीतेगा ये ODI सीरीज, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।